तो आज हम जा रहे हैं भाई, नाश्ता बाहर करेंगे और हलवा पूरी वगैरह खाएंगे। इसके अलावा आज संडे का दिन है तो संडे बाजार भी चलते हैं। संडे कौन सा बाजार मुन्नी खाना? को जो है ना वो पसंद तो और नहीं ये वाली जो है। साइड है ना बाजार की, ये सारे यहाँ पे लुंडा उंडा और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स वो सारी चीज़ें मिलती हैं। कपड़े इस तरफ नया सामान होता है, सब्जी वब्जी और नए कपड़े वपड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और ये मुन्नी भी हेलो यहाँ पे है। आज भाई संडे का दिन है, जी। क्या प्रोग्राम है आज तुम्हारा? मुन्नी नाश्ता करना है मुझे। नाश्ता करना है तो हाँ आज हम जा रहे हैं भाई, नाश्ता बाहर करेंगे और हलवा पूरी वगैरह खाएंगे। इसके अलावा आज संडे का दिन है तो संडे बाजार भी चलते हैं। संडे कौन सा बाजार खाना मुन्नी है? को जो है ना वो पसंद तो नहीं है, लेकिन पूछ रहे हैं कौन से वाले, अलादीन वाले संडे बाजार चलते हैं। अलादीन वाले संडे बाजार जाएंगे जो मुन्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, कुछ बेगम को सामान वामान लेना है वो भी लेंगे। और पहले नाश्ता करते हैं, चल के देखते हैं कौन सी जगह नाश्ता हम करते हैं आज चल के, और उसके बाद फिर चलते हैं संडे बाजार। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं भाई संडे बाजार, आपको भी दिखा दें संडे बाजार में क्या कुछ मिलता है। तो जनाब फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और सफर की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो अभी चलते हैं सबसे पहले और नाश्ता देखते हैं क्या करते हैं। नाश्ता चल के पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलेंगे भाई संडे बाजार की तरफ। तो ये सामने दिखा ज़रा, ये देखें भाई, अभी हम निकले हुए अपने टाउन से, अभी निकले और देखते हैं उधर क्या नाम है, दिलपसंद पे नाश्ता करने की कोशिश करेंगे। तो ये भाई हमारा अल मारूफ सफूरा चौरंगी, और यहाँ पे देखें संडे का दिन है और रेड लाइन का जो काम है ना वो यहाँ पे अभी भी जारी हो सारी है। तो दिन रात काम कर रहे हैं और संडे वनडे को भी काम कर रहे हैं भाई। उधर तो वो पता नहीं क्या बना दिया है, पिलर भी बना दिया है उसका, ओवर हेड ब्रिज का जो है ना पिलर विलर भी बना दिए हैं यहाँ पे। तो भाई तो ये मेन सफूरा चौरंगी है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, और गधे भी जा रहे हैं रोडों पे। आज तक जो है ना गधा गाड़ियाँ बंद नहीं हुई है पाकिस्तान में, पता नहीं कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क। बस इधर सामने ही है हमारे, दिल पसंद है उस उधर चल के देखते हैं। और ये देखें रॉन्ग साइड आना तो एक मतलब फख्र की बात है भाई पाकिस्तानियों के लिए, खास करके कराची में। भाई अभी हम दिल पसंद के बिल्कुल पास आ चुके हैं सामने, तो देखते हैं आज क्या सिस्टम है। टेंट वेंट लगाया हुआ है, हाँ सही है, बैठने की जो है ना जगह सही बना दी है। अभी ये दिल पसंद की हलवा पूरी, और यहाँ से चलते हैं अभी नाश्ता करते हैं दिल पसंद के। समझे करते हैं यहाँ पे, पहले ये दिखा देता हूँ मैं आपको, तरकारियाँ चने वने यहाँ पे बन रहे हैं, और इधर गर्मा गर्म हलवा पूरी बन रही है भाई। क्या बात है, नाश्ता आ गया है भाई हमारा, और मम्मी बैठी है, नींद आ रही है मम्मी को बहुत। तो हलवा पूरियाँ गर्मा गर्म आ चुकी हैं भाई, हलवा पूरी आ चुकी है तो ट्राई करते हैं। ये देखो छोले चने, मजे भी होती है भाई दिल पसंद की हलवा पूरी। तरकारी ज़रा ट्राई कर लेते, ये आ गई तरकारी बाइट, तो गर्म हो रही है काफ़ी, खाते हैं। हाँ बेटा गर्म हो रही है, गर्म हो रही है तो मुन्नी को जो है ना गर्म लग रही है।
अभी हम खाते हैं, मुन्नी जो है ना थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर खाएगी, और चाय भी मंगवा ली है बराबर ये कोयटा होटल से, तो चाय आती है तो वो भी पीते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो कप चाय आ गई है भाई, चाय पीते हैं, चाय पीना ज़रूरी है सुबह ही सुबह, नहीं तो जो है ना दिमाग की बत्ती नहीं खुलती मेरी, है ना बेटा? ये पीती नहीं है, मेरे घर में मैं ही चाय पीता हूँ, और ये बेगम भी नहीं पीती और ये भी नहीं पीते। चाय पीते हैं फिर जो है ना चलते हैं अपने संडे बाज़ार की तरफ। फाइनली भाई हमने हलवा पूरी खा ली और निकल चुके हैं, अब चलते हैं संडे बाज़ार अलादीन पार्क वाले आपको लेके, और एक बार फिर से दुआ पढ़ लेते हैं सफ़र की। सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, क्योंकि अभी हम दोबारा से गाड़ी में बैठे हैं। तो संडे को सुबह के टाइम पे रश थोड़ा कम होता है, वैसे नॉर्मली तो काफ़ी रश होता है इस रोड में। तो चलते हैं भाई संडे बाज़ार पहुँचते हैं अलादीन पार्क वाले, सबसे बड़ा संडे बाज़ार वही है कराची का, वहाँ पहुँच के फिर दिखाते हैं आपको क्या सीन चल रहा है। हाँ बेटा हलवा पूरी कैसी लगी, आया कि नहीं आया, क्या कुछ और खाना है? अच्छा अभी खाई तो एक भी पूरी नहीं है तुमने, एक पूरी भी जो है ना पूरी नहीं खाई। गर्मी बड़ी जो है ना जोरों शोरों पे आ चुकी है, मानसून ख़त्म हो गया है तो अभी जो है ना गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो अभी बनाते हैं कोई प्रोग्राम ट्रिप का इंशाल्लाह जल्दी। थोड़ा घर की शिफ्टिंग का है, एक घर देख रहा हूँ मैं ज़रा, तो अगर शिफ्टिंग का होगा तो शिफ्टिंग के बाद जो है ना फिर जाएंगे ट्रिप पे, देखते हैं अभी आगे चल के क्या है सीन। तो भाई अभी हम आ चुके हैं और गाड़ी पार्क कर रहे हैं, पार्क करेंगे मतलब अभी पार्क कर नहीं रहे, पार्किंग की तरफ जा रहे हैं हम। तो भाई अभी जो है ना हम लोग आ चुके हैं संडे बाज़ार और अभी उतरते हैं, गाड़ी पार्क कर दिए और फिर जो है वो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है। यार गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यार आज तो, है ना बेटा? गर्मी है ना? Yes. गर्मी बहुत है, तो अभी चलते हैं अंदर चल के देखते हैं। तो अभी हम संडे बाज़ार के अंदर आ चुके हैं और यार रश काफ़ी है यहाँ पर संडे बाज़ार में, देख सकते हैं मेरे पीछे। अभी चलते हैं आगे चल के देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। ये देखो ये किचन का सारा सामान मिल रहा है, कितने का है ये लाला? 1500 रुपए का दे रहे चाय कॉफ़ी बनाने के लिए, तुर्किश कॉफ़ी वॉफ़ी बनाते हैं ना, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये किचन के जो है ना आइटम्स हैं, 2000 इसमें क्या है? ये जूस निकालने का है 2000 का दे रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, देखते हैं और क्या है भाई। इस तरीके के यहाँ पे बर्तन वर्तन यूज़ में मिल जाते हैं आपको, नए भी होते हैं यूज़ भी होते हैं, यहाँ पे यूज़ में आपको मिल रहा है। चलते हैं अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आपको और मिल रही हैं। एंटीक किस्म के आइटम है ये दो सारे, तो बहुत है। कितने की है लाला? कितने की है लाला? 1500 की है ये। मैं ये दोनों ले लेती हूँ, ये दोनों बहुत भारी है। 1500 की है ये क्या है? महलों की छुरी। ये तो भाई है, अगर आप महल में रहते हैं तो जी छुरियाँ देखी होंगी, पीतल ही है यार ये सारे सामान, 7000 का दे रहे हैं वो घोड़ा पीतल का। ये इस टाइप के एंटीक किस्म के जो सामान है वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये देखें, ये देखो ये एंटीक किस्म के बर्तन वर्तन भी जो है ना यहाँ पे मिल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। अच्छा ये बर्तन ये देखते हैं ये कितने के दे रहे हैं, ये तामचीनी, ये 2500 की दे रहे हैं ये तामचीनी की पतीनी, और स्टील के हैं ये सारे बर्तन। अच्छा ये बाहर से आए हुए थे, कुछ नए होते हैं इनमें, कुछ यूज़ भी होते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ है इनके पास। ये कितने का है ये वाला? ये वाला कितने का?
टिफाल का ये 1500 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन हैवी है, काफ़ी अच्छा है यार। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। ये 850 से 800। अच्छा, अभी आगे चलते हैं, जूते वूते भी देखते हैं। अभी जूते वूते भी मिल रहे होते हैं, जूते भी आपको दिखा दें। ये देखो बेटा, ये क्या कहते हैं, क्रॉक्स। तुम्हारे साइज़ का बड़ा है काफ़ी। लेना है क्या क्रॉक्स में? काफ़ी सारे इनके पास भाई जूते हैं, जूतों की यहाँ पे काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। अच्छा, ये जो बाहर वाले जूते होते हैं ना, इसमें ख़ास बात ये होती है कि थोड़े से ये रिलायबल होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं। इसका कितना है लाला? ये 2000 का है। और ये वाला 1650 का, 1650 का। भाई बहुत सारे जूते हैं यहाँ पे, आप आके जो है ना ले सकते हो। सब ओरिजिनल है? हाँ, बाहर वाला है। सब बाहर वाला है। आपने जो लिया हुआ है ना, वो हमारे गोदाम में स्टॉक है। सारे जूते यहाँ पे आपको मिल रहे हैं काफ़ी। ये वाला जूता चेक करो। और ये लाला, ये भी 2000 मांग रहे हैं, मतलब बार्गेनिंग कर सकते हैं आप इनके साथ। बोल रहे हैं 2000, लेकिन आप कम करवा सकते हैं। बैग्स भी यार यहाँ पे अच्छी वैरायटी मिल जाती है यूज़ में ना, बस कचरा भी होता है और सही भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं और कुछ नॉर्मल भी होते हैं। ये वाला देखो, लेकिन ये भाई, ये लेडीज़ शूज़ भी यहाँ पे जो है ना आगे मिल जाते हैं। ये बैग देखो, लैपटॉप बैग है, अच्छा है यार ये तो, लेनोवो का। ये कितने का लाला? ये वाला 2000 का यार, ये 2000 में दे रहे हैं। अच्छा है बैग, छोटा सा है, लैपटॉप वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। ये नए आ रहे जूते भी मिलेंगे चाइना के, और वो स्कूल शूज़ वगैरह जो है ना, वो भी वहाँ पे मिल रहे हैं, स्कूल बच्चों के स्कूल शूज़। यहाँ पे भाई बार्गेनिंग करनी पड़ती है, अगर आपको बार्गेनिंग आती है तो आप यहाँ से जो है ना वो अच्छी चीज़ें ले सकते हो। ये लोंडा बाज़ार समझ लो यहाँ पे, ढूँढना पड़ता है। ढूँढोगे तो आपको बहुत महंगे वाले जूते जो है ना सस्ते दामों में मिल जाते हैं। और चलते हैं अभी आगे, मज़ीद देखते हैं। बूट्स वगैरह देखो लंबे, वो भी मिल रहे हैं आपको पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। बैग्स वगैरह और आगे कपड़े वपड़े भी जो है ना वो मिल जाते हैं। कितने का आया? कितने? 1200 रुपये में दे रहे हैं ये 1200 रुपये में दे रहे हैं भाई। इस टाइप के पर्स ये पर्स चेक करो भाई, ये सारे मिल रहे हैं यहाँ पे। प्राइस आके आप खुद ही चेक कर लेना, क्योंकि कुछ बताते हैं और आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है। बड़ी तादाद में यहाँ पे लेडीज़ पर्स मिल रहे हैं और स्कूल बैग्स वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो बच्चों के। तो इस टाइप के जो है ना लोंडा से आपको कपड़े भी मिल जाते हैं और टी शर्ट्स वगैरह हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। पजामे वजामे एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ मैं आपको ना, ये देखो ये पजामे भी, शर्टें, लॉन्ग शर्ट्स, हर चीज़ मिल जाएगी भाई इधर से आपको। तो ये संडे बाजार है भाई, यहाँ पे कपड़े वपड़े जो है ना वो मिल रहे हैं, बेल्ट्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं आपको अच्छी क्वालिटी का। ये कितने का है बेल्ट डाला? 1400 रुपये का। ओरिजिनल है भाई, ये टॉमी का 1400 रुपये में दे रहे हैं, सारे टॉमी के। और हमारी ये कितने का है? सब 1400 का है, प्रीमियम क्वालिटी के हैं भाई, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है बैंड्स की। ये देखो बहुत अच्छी क्वालिटी के बेल्ट हैं। अच्छा ये वाले भी हैं। अच्छा ये इसका क्या प्राइस है लाला? 600 रुपये। ये वाले 600 रुपये में। ये भी देखो,
काफ़ी वैरायटी है लाला के पास। ये छोटे छोटे बच्चों के जूते भी आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ पे मेकअप का सामान भी मिल जाता है, कॉस्मेटिक्स वगैरह सारी। ये क्या है, ये कितने की है, ये कितने की है भाई? ये वाली 600 रुपये की है, लेकिन शेड और नहीं है इसमें, शेड एक ही शेड है, 600 रुपये में। तुम क्या यूज़ करते हो वो देखो ना, सारी कॉस्मेटिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, नेल पॉलिशेस वगैरह, लिपस्टिक्स। यहाँ भी देखो ये बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं भाई यूज़ में। इसमें देखते हैं क्या क्या आइटम्स हैं, बोतल ओपनर है इसमें, एक ये और एक नाइफ है। ये कितने का है? 200 का है। ये खोलो ज़रा, ये नाइफ 200 रुपये का दे रहे हैं भाई। ये बोतल ओपनर है ना, ये 200 रुपये का सिर्फ भाई। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं भाई, 200, 250, 100 ऐसे मिल जाती हैं। ये यूज़ होती हैं सारी, बाहर से आई हुई होती हैं। इसमें आप जो है ना वो चेक कर सकते हो, चेक करके ले सकते हो, काम की चीज़ें भी मिल जाती हैं यहाँ से। अब ये चमचों का सेट देखो यार, इसी तरीके से ये वाला भी मिल रहा है यहाँ पे, प्लेट बंद भी हो जाती है ना ये। दो सौ रुपये में टी शर्ट यहाँ पे मिल रही है भाई। ये देखो दो सौ रुपये का, 200 का है, 200 का है भाई टी शर्ट। टी शर्ट का 200। बहुत सारी टी शर्टें भाई यहाँ पे मिल जाती है, जीन्स मिल जाती है यहाँ पे अच्छी अच्छी आपको। चलते हैं अभी दूसरी साइड, काफ़ी देर हो गई, थक गए हम लोग, तो दूसरी साइड चलते हैं। देखो भाई ये गिलास उलास रखने के लिए, ये 550, 450, 450। इसमें ऐसे क्या है? ये देखें कंटेनर वगैरह बहुत सारी चीज़ें भाई यहाँ पर मिल जाती हैं अच्छे प्राइस में। ये क्या है, शीट चिपकाने वाली? किस पे चिपका रहे हैं? शर्टें वर्टें भी आपके यहाँ पे मिल जाती हैं भाई, बहुत सामान यहाँ पे संडे बाज़ार में आपको मिलता है। उधर रश बहुत है, वहाँ से हम निकल के आ गए और अभी हम दूसरी साइड पे उस तरफ चलेंगे। ये पूरी पार्किंग है भाई बाइकों की इस तरफ, और उस तरफ गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये वाली जो साइड है ना बाजार की, ये सारी यहाँ पे लुंडा वुंडा और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स वो सारी चीज़ें मिलती हैं, कपड़े। इस तरफ नया सामान होता है, सब्जी वब्जी और नए कपड़े वपड़े, वो ये वाली साइड में जो है ना वो मिलते हैं। तो अभी चलते हैं इस वाली साइड में, चल के देखते हैं क्या है यहाँ पर। भाई ये वाली जो साइड है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ कपड़े, लेडीज़ के कपड़े वपड़े जो है ना, स्टिच ऑन स्टिच सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। ये पूरी बाज़ार का ये वाला पार्ट, इसमें सारे कपड़े आपको मिल जाते हैं इस टाइप के। ये इस तरह के जो कुर्ते वर्ते हैं वो भी मिल जाते हैं भाई यहाँ पे। ये लेस वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, जैसे काटे पीस कपड़े लेडीज़ के, पता नहीं क्या क्या होते हैं। ये देखो ये जाली है, नेट है, पता नहीं क्या है, कैसे कैसे कपड़े होते हैं यहाँ पे, ये तो लेडीज़ को ही ज़्यादा पता होगा। और ये वाले भी देखें, ये तो लेडीज़ को पता होगा क्या है ये कपड़े, ये सारे यहाँ पे मिल जाते हैं यहाँ पे। पूरी मार्केट है भाई, भरी पड़ी है यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे हज़ार हज़ार रुपये में मिल रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के, सिल्क के ये 1200 रुपये में, और ये दूसरे 1000 रुपये में।
कपड़े में पूरी मार्केट है ये, पूरी जो है ना यहाँ पे कपड़ा कपड़ा मार्केट है। ये संडे बाज़ार में एक फूड स्ट्रीट भी बनी हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और इस तरफ जो है ना ये किचन विचन का सामान और केमिकल और ये क्लीनिंग का सामान, प्लास्टिक का सामान, वो सब आपको इस तरफ मिल जाता है संडे बाज़ार में। बहुत बड़ा संडे बाज़ार है यार ये देखो, ये प्लास्टिक की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, इसी तरह क्रॉकरी वगैरह, ब्रश, क्लीनिंग का सामान, ये सब आपको जो है ना यहाँ संडे बाज़ार में मिलता है। ये देखो ये बालों में बांधने की चीज़ें और ये ज्वेलरी वगैरह सब यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं आपको, आपको मिल जाना खाने पीने की चीज़ें, सब्जियाँ, फ्रूट्स व्रूट्स सब इधर आपको मिलेगा बाज़ार में। चलते हैं इस तरफ से कुछ सब्जी वब्जी जो है ना लेने की कोशिश करते हैं। भाई यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, खजूर वजूर, अभी खजूर हमारी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी यहाँ से ये वाली खजूर लेते हैं, वो नहीं लेना, ये सारी यहाँ मिल रही है। इधर आपको ये सब्जी फ्रूट्स ये आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। भाई यहाँ से कोकोनट लिया है, अब देखते हैं इसमें से, इसमें पानी भी होगा और ऐसा ये भी होगा, खोपड़ा इसका खोल रहे हैं कोकोनट का, ट्राई करते हैं। मुन्नी ने कभी कोकोनट वाटर नहीं पिया आपने? Never. नहीं पिया, अच्छा अभी आज ट्राई करेंगे कोकोनट। नारियल का पानी 150 का, 150 का पानी है और ये कोकोनट 300 रुपए का है पूरा पानी के समय। अभी ये मुन्नी पहले ट्राई करेंगी कोकोनट का पानी, फिर बताएंगी कैसा है, पूरा पीना कैसा है, पियो पियो नहीं पीना। तो अभी ये कोकोनट का पानी पीते हैं फिर उसको खुलवाते हैं। आप इसको खुलवाते हैं, चलो कोकोनट खा लेंगे। ये देखो गर्मे वर्मे भी मिल रहा है यहाँ पे हर चीज। भाई फाइनली हमने जो है ना सामान वामान ले लिया जो लेना था, तो ये था संडे बाज़ार और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो गाड़ी सामने खड़ी हुई है हमारे पीछे, तो वो रही, वहाँ पे चलते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। तो जना फाइनली हम लोग जो है ना सामान वामान लेके और नाश्ते वाश्ते करके संडे बाज़ार जो होके वापस घर आ चुके हैं और ये सब्जियाँ फ्रूट्स व्रूट्स जो भी लेने थे वो भी ले लिए हैं, कुछ सामान इधर भी पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें लेके हम जो है ना वो घर वापस आ चुके हैं। यार बाज़ार जो है ना वो जाना बड़ा अजाब का काम होता है, थक जाता है बंदा, ऊपर से धूल मिट्टी भी बड़ी उड़ रही होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो है ना वो संडे बाज़ार दिखाया, उम्मीद है संडे बाज़ार देख के आपको अच्छा लगा होगा। ये कराची का संडे बाज़ार है, कराची में बहुत सारे संडे बाज़ार लगते हैं लेकिन ये जो अलादीन वाला संडे बाज़ार है ये काफ़ी बड़ा संडे बाज़ार है, सबसे फेमस संडे बाज़ार यही है। तो एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।